हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजन एकेडमी। सर, पेपर अच्छा नहीं हुआ। कई बच्चों के कॉल आते हैं, कई बच्चों के मैसेज आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस पर एक वीडियो ही बना देता हूँ। आप मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे बच्चों के मैसेज आ गए मेरे पास अभी तक, क्योंकि आपने भी पेपर दिया हुआ है, और उनका एक ही बार बार रहता है कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, सर जितना सोचा था वो नहीं कर पाया, सर अब क्या करूं मैं। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं अपन, क्योंकि सबको आंसर देना था सेम क्वेश्चन का, तो इसमें मैं एक वीडियो बना रहा हूं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान सुनिएगा आप, क्योंकि इससे आपका गेम जो है ना पूरा चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर जो मेरे पास लिखा हुआ है, जो आपका क्वेश्चन है वही है सेम, सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, व्हाट नेक्स्ट, क्या करूं मैं। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं और कई बार आपको लगता है आपका सिलेक्शन होना चाहिए और या आप कट ऑफ को क्रॉस करें, लेकिन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूं, दोज हु हैव फर्स्ट अटेम्प्ट, जिनका पहला अटेम्प्ट था, उनका आता है कि सर मेरा तो पेपर ही पूरा अजीब सा हो गया, मैं तो कर ही नहीं पाया, मैं तो क्वेश्चन ही 120 अटेम्प्ट कर पाया या 100 ही कर पाया मैं तो। सो देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बिल्कुल परफेक्ट बात बताता हूँ। जब आपका पहला अटेम्प्ट होता है ना, तो आपने चीज़ रियलाइज करी होगी, चाहे आपने ऑनलाइन क्लासेस ली हूँ या ऑफलाइन क्लासेस ली हूँ, ऑल टाइम आप नोट्स बनाने में या फिर आप कोचिंग आने जाने में, यानी बहुत सारा टाइम लग जाता है कंटेंट को इकट्ठा करने में। आपके पास प्रॉपर रिविजन का टाइम नहीं हो पाता है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज का टाइम नहीं हो पाता है, इस वजह से आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। आप ये मत सोचिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है या आप कर नहीं सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन आप अपनी पूरी कैलकुलेशन को देखें। आप पिछले एक साल से या 8-9 महीने से क्या कर रहे थे, आप सिलेबस ही तो कंप्लीट कर रहे थे, और करना भी चाहिए सिलेबस यार, क्योंकि अगर हम पहली बार चीजों को पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तो नोट्स तो बनाएंगे ना प्रॉपर। अब जब नोट्स ही नहीं होंगे तो फिर अपन कैसे रिवाइज करेंगे चीजों को। तो आपने कोई गलती नहीं करी हुई है, बट समय का यहां पर एक बड़ा गेम रहा जिसकी वजह से आपका पेपर ठीक नहीं हुआ। तो आप एनालिसिस करें कि भाई क्या यही हुआ, बिल्कुल हुआ, जिसका पहला अटेम्प्ट उसके साथ यही हो रहा है। मैं पटना गया पढ़ाने, जयपुर पढ़ा रहा हूं, लखनऊ पढ़ा है, बच्चे अभी कॉलेज गोइंग है, कुछ कॉलेज भी जाते हैं कई बार, या जस्ट पास आउट होके आए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अभी वो जस्ट पहला सब्जेक्ट नेटवर्क बेसिक मेजरमेंट, कहीं ना कहीं आपके पास पावर सिस्टम, ये सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, 6 घंटे क्लास इंजीनियर्स एकेडमी में, फिर उसके बाद घर जाना, दुनिया भर के और भी काम अपने पास, तो अब ये सिवा टाइम कहां से आएगा, तो घबराइए मत। तो अब बात आती है कि सर ठीक बात है, तो समझ आगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, यही मेरे साथ हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क सर, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। अगर आपके अगर एक आध सब्जेक्ट बचे हुए अभी हैं तो फटाफट उनको कंप्लीट करो। अब देखिए आपके पास पूरा प्रॉपर कंटेंट आ चुका है, अब आप बढ़िया से पूरे कंटेंट को आप रिविजन मोड पर डालो। रिवीजन करना सबसे टफ जॉब है, जैसा मैं बार बार बोलता भी रहता हूँ हर वीडियो में। आप प्रॉपर एक शेड्यूल बनाएं कि भाई 5-6-7 घंटे में रोज पढ़ना है, सारे के सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ो, हर एक बात को आप गंभीरता समझो, और जो आपके MCQ SSC जी उसको लगा हुआ। अब आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा पिछले 8 महीने में, जो आपने सिलेबस इकट्ठा किया, कंटेंट इकट्ठा किया, उसको आप तरीके से अपने दिमाग में रखो। उस टाइम बहुत हड़बड़ी सी चीजें पढ़ी आपने, इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट ये मत सोचिए कि आप अच्छा नहीं कर सकते थे। देखिए अब आता है बात कि सर, बस बच्चा सोचता है सर हाउ टू कम बैक एंड स्टार्ट प्रिपरेशन विथ फुल एंथुसियम्स, कैसे मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक होके काम करना चालू करूं। तो देखिए ध्यान से मेरी बात, ध्यान सुना मैंने क्या बोला अभी लास्ट पॉइंट में, कि आप अपने पूरे नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करो, जो आपके पास कुछ बुक्स वगैरह हैं MCQ SSC उनको लगाओ, सारे क्वेश्चंस को देखो, क्योंकि कई बार क्या होता है आप क्वेश्चंस फटाफट कर लेते हैं एक बार, लेकिन उनको अपने जहन में नहीं उतार पाते हो। सही से देखो चीजों को, आप चीजों को मेमोराइज करना सीखो, नॉन टेक टेक सब पे बैलेंस बना के चलो। आप क्या करें सर, अब टेस्ट सीरीज लगाओ, आप टेस्ट सीरीज में टारगेट सेट करो, नहीं अब मेरे को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है तो मैक्सिमम स्कोर करना है, रीजनिंग पूरा का पूरा स्कोर करना है, नॉन टेक पे ध्यान देना है, यानी टेस्ट सीरीज में अब जो मार्क्स आने हैं ना उन पे काम करना है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स जो पुराने रहे या अभी भी जो करंट में हैं, उनको मैंने देखा है कि हमेशा वो जब कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं तो टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप टेस्ट सीरीज को बहुत गंभीरता से दें, और जैसे आपके मार्क्स आना चालू होंगे
आप में एनर्जी आ जाएगी, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं इस बार तो मैं करके ही रहूंगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। अब एक मेरे पास एक और कैटेगरी का बच्चा है, दूसरा कौन सा देखिए, दोज हु हैव सेकेंड और मोर अटेम्प्ट्स एंड मे बी क्लोज टू द कट ऑफ। मैंने कहा कि ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने दूसरा अटेम्प्ट है या उससे ज्यादा अटेम्प्ट है और उनके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ के आसपास हैं। सर ये कैसे पता था? अभी तो रिजल्ट नहीं आया, इसके पहले उन्होंने एक दो एग्जाम दिए, एसएससी जे दिया, अभी उनको लग रहा है कि मेरा दो चार नंबर हो सकता है कि कम आए, आपको आइडिया लग जाता है, अभी रिस्पॉन्स की भी आ जाएगी, आप देख लेंगे। सो देखिए ना, मैं आपको बता दूं, अगर आपके चार नंबर, दो नंबर, पांच नंबर कम आते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आपको आता नहीं, आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। आप देखिए, आप एकदम लास्ट स्टेज पर हैं, आपको अब क्या करना चाहिए? अब आपको यहां पेशेंस की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। हो सकता है आपके दो नंबर कम हो गए हों, वो आपका दिन ना रहा हो, लेकिन बेटा ध्यान रखना, आप ये जो छोटी सी कमी है ना, ये पूरी तभी करी जा सकती है ना कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो और प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो उसको करते रहो। आप नोट्स को प्रॉपरली पढ़ो। आप सर मैं नोट्स तो कई बार पढ़ चुका, टेस्ट सीरीज लगाओ, आप जो चीजें आप पेपर में जो गलतियां की उनको एनालिसिस करो, आप उसको लिखो एक जगह पे, आप उनको रेक्टिफाई करो डे बाय डे। आप क्योंकि पांच नंबर कम होना, दो नंबर कम होना, एक नंबर कम होना, इससे तो ये साबित है कि आप में नॉलेज तो है, आप में क्षमता तो है। भाई आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया, आपके कोई 100 नंबर थोड़ो कम है, 50 नहीं का, आपके 2 ही नंबर तो कम है केवल, तो इसका क्या मतलब है कि आप कर सकते हो बेटा यार। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि एसएससी जेई के बाद आपके पास दूसरे एग्जाम बहुत सारे लगे हुए हैं और इस बात की पूरी गारंटी है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। बस ये कि अब वो कौन सा एग्जाम है, वो कौन सा दिन है जो निकलने वाला है, उसका वेट करना आपको। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले 6 महीने में कोई ना कोई एग्जाम निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, व्हाट नीड टू डू, मैंने आपको बता दिया, आपने सुना, कुछ नहीं करना है, अपनी गलतियों को देखो। आप एग्जाम हॉल का जो प्रेशर था वहां, क्या ऐसा फील हुआ कि आप नहीं उस चीज को मैनेज कर पाए, क्योंकि आप पिछले कई सारे एग्जाम आपने दिए जहां आपके बहुत ही कम मार्क्स से आप रह गए। तो आप ट्राई करो कि उस एनवायरमेंट्स को समझने की कोशिश करो, प्रॉपर रिविजन करो, जो गलतियां उनको आप लिखो, टेस्ट सीरीज दो और इन सारी चीजों को बड़े शेड्यूल्ड मैनर में, बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से करो। आप एकदम एक जैसे इंजीनियर करता है, पूरा प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा पाया कि जिनका पहला अटेम्प्ट था उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और जिनके एक दो अटेम्प्ट हो चुके हैं उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। पेपर अच्छा नहीं हुआ, इस चीज को तो दिमाग से निकाल ही दो आप, कि जो हो गया वो हो गया, अब जो होगा उस पर काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा सोचने से आगे की चीजें बिगड़ेंगी, क्योंकि सोचने से पीछे का तो सही नहीं होने वाला है, ये तो कंफर्म्ड है, ये तो सत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो क्या समझ में आ गया कि जो पीछे हो गया उसमें जो गलतियां करी उनको इंप्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसी को सोच सोच के कि दो क्वेश्चन मैं सही कर देता या एक क्वेश्चन मैं सही कर देता तो कट ऑफ निकल जाता, क्योंकि अब नहीं निकलेगा कट ऑफ, निकलना होता तो निकल जाता। इसलिए आपने जो गलती करी उनको लिखो और काम करो और एग्जाम को क्वालिफाई करो। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और जरूर आप अब जो आगे वाले एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई करेंगे और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.